हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज बेटा क्लास फर्स्ट का है, पार्ट सात दिवाली तैयारी आती है। एक हफ्ता तो बेटा दिवाली तैयारी आती है। इसको हमने पिछले वीडियो आपको पढ़ाया था, उसका शब्द ज्ञान भी पूछवाया था और कहा था जो है इस शब्द ज्ञान को याद कर लेंगे, लर्न कर लेंगे और इस दिवाली तैयारी आती है एक हफ्ता को आप जो है अच्छे से पढ़ लेंगे। और इसका जो है अभ्यास के प्रश्न में पहला आपका था सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, ये भी आपको हमने प्रश्न थे, ये भी आपको हमने करवा दिया था। और आज जो है पाठ सात दिवाली तैयारी आती है, दूसरा क्वेश्चन है अभ्यास में निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। इसको आज आपको हम बताएंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है तो दिवाली पर घरों की सफाई कैसे होती है, दिवाली पर घरों की सफाई कैसे होती है, ठीक है, कैसे होती है। दिवाली पर घरों की सफाई कैसे होती है, तो आपका उत्तर क्या है कि दिवाली तैयारी आती है, दिवाली न्यारी आती है घर का मैल हटाने को, सफेदी से उतराने को, ठीक है। तो दिवाली पर घरों की सफाई जो है घरों का मैल हटाने और उसको सफेदी से उतलाने से होती है, ठीक है। दिवाली पर घरों की सफाई जो है दिवाली पर घर का मैल हटाने और सफेदी से उतलाने पर घरों की सफाई होती है, सफेदी पोतने से जो है सफाई होती है, ठीक है। तो लिखेंगे दिवाली पर इस तरह का होगा, दिवाली पर घरों की सफाई, दिवाली पर घरों की सफाई घर का मैल हटाकर या साफ करने पर तथा उसको सफेदी से उतलाने पर होती है, ठीक है। यानी घर दिवाली पर घरों की सफाई घर का मैल हटाने पर, घर का मैल साफ करने पर, ठीक है, तथा सफेदी से उतलाने पर, सफेदी से उतलाने पर जो है घर की सफाई होती है, ठीक है बेटा। और लेंगे प्रश्न नंबर 6 का, दिवाली पर क्या क्या खाया जाता है, दिवाली पर क्या क्या खाया जाता है, उत्तर लिखिए बेटा। करेक्ट, दिवाली खीर बताशे खाने को, अच्छे पकवान बनाने को, ठीक है। यानी दिवाली पर जो है दिवाली पर खीर बताशे तथा अच्छे पकवान, अच्छे पकवान या अच्छा पकवान खाया जाता है, ठीक है। खीर बताशा, ठीक है, दिवाली पर
देखेंगे दिवाली पर खीर बताता तथा अच्छे पकवान या अच्छा पकवान। ठीक है, दिवाली पर खीर बताता या बताते इसमें बताते तथा अच्छा पकवान खाया जाता है। बेटा दिवाली पर खीर बताते खीर बताता बताते खीर बताते तथा अच्छे पकवान खाए जाते हैं। अच्छे पकवान या अच्छा पकवान खाया जाता है। ठीक है, अच्छे पकवान या खाए जाते हैं या अच्छा पकवान खाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा शिवगढ़ गो है दिवाली पर किसकी पूजा होती है। गो दिवाली पर किसकी पूजा होती है। गौ है दिवाली पर किसकी पूजा होती है। बच्चों दिवाली पर किसकी पूजा होती है। यहाँ पे पोयम में दिया है, विषम दिया है कि लक्ष्मी गणेश का पूजन करने को। ठीक है, लक्ष्मी गणेश का पूजन करने को, यानी आप लिखेंगे कि दिवाली पर लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। ठीक है बेटा, दिवाली पर लक्ष्मी गणेश दिवाली पर लक्ष्मी गणेश की पूजा बेटा दिवाली पर किसकी पूजा होती है। तो आपका उत्तर होगा आपका दिवाली पर लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। ठीक है बच्चों, फिर आगे अगला आपका है दिवाली पर बच्चे मिलजुल कर क्या छुड़ाते हैं। आपका दिवाली पर बच्चे मिलजुल कर दिवाली पर बच्चे मिलजुल कर क्या छुड़ाते हैं। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर दो है आपका कि दिवाली पर बच्चे मिलजुल कर क्या छुड़ाते हैं। तो आपने देखा कि कहा खीर बताते खाने को, अच्छे पकवान बनाने को, लक्ष्मी गणेश का पूजन करने को, फुलझड़ी अनार छुड़ाने को। ये बेटा पता लगा है फुलझड़ी अनार छुड़ाने को। तो आप देखेंगे कि दिवाली पर बच्चे मिलजुल कर फुलझड़ी अनार छुड़ाते हैं।
तरफ देंगे। दिवाली पर बच्चे मिलजुल कर फुलझड़ी तथा अनार फुलझड़ी तथा अनार छुड़ाते हैं। ठीक है, प्रश्न का यह दिया है। एक और प्रश्न है आपका, ठीक है। तो आप देखेंगे दिवाली पर बच्चे मिलजुल कर फुलझड़ी तथा अनार छुड़ाते हैं। आपका दिवाली पर घरों में क्या जलाए जाते हैं, दिवाली पर घरों में क्या जलाए जाते हैं, दिवाली पर घरों में क्या जलाए जाते हैं। तो आपने कविता में पढ़ा है कि घर घर में दीप जलाने को, ठीक है, मिलजुल कर खुशी मनाने को दिवाली प्यारी आती है, तो यहाँ देखेंगे कि दिवाली पर घरों में दीप जलाए जाते हैं। दिवाली पर घरों में क्या जलाते हैं, उत्तर का दिवाली पर घरों में दिया जलाए जाते हैं। कि बच्चों दिवाली पर घरों में दिया जलाए जाते हैं। आप दीप भी लिख सकते हैं, दीप माने आपको लिखा गया है, सब ज्ञान में आप देख सकते हैं, दीप माने लिखा गया है दिया, ठीक है। तो आप देखेंगे दिवाली पर घरों में क्या जलाते हैं, तो दिवाली पर घरों में दीप या दिया जलाए जाते हैं। ठीक बेटा, इस प्रकार जो है यह आपका अभ्यास के प्रश्न जो है समाप्त हो गए। अभ्यास में आपका न्यूनतम प्रश्न पूछते हैं, दूसरा प्रश्न है पहला आपका कल ही पढ़ा जाएगा पिछली वीडियो में, और इन प्रश्नों को जो भी आपको लिखवाया गया है निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, इसको आप कॉपी पर राइट कर लेंगे और इसको लर्न कर लेंगे। उसका अगले 5 क्वेश्चन है, कुल इस 5 प्रश्नों को आप जो है अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है इस कविता का, इस पाठ का, दिवाली का जातीय का तीसरा प्रश्न प्रतिज्ञा है, कविता के आधार पर निम्न पंक्तियों को पूरा कीजिए, कविता के आधार पर निम्न पंक्तियों को पूरा कीजिए, इस
इसको मैं आपको और शब्दकोश भी है ये सब चीज़ें जितनी चीज़ें बची हुई हैं वो आपको मैनेज कराऊंगा। तब तक के लिए बाय बच्चों।